वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज पूरी का जो है आज हमारा यात्रा दूसरा दिन है। हम लोग ये रूम लिए थे मात्र 400 रुपये में, देख सकते हैं रूम अपन जो रेट हिसाब से बहुत अच्छा रहा रूम। और यहाँ एक पंखा है जिसमें रेगुलेटर नहीं है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑन है। तो रूम में हम लोग अभी फ्रेश वेश होकर के अभी निकलने वाले हैं। हमारा बैग वैग भी तैयार हो गया है और बैग बाकी जो भी सामान वगैरह पूरा समेट रहे हैं। तो आज का दूसरा दिन का जो हमारा व्लॉग वीडियो है आप लगातार बने रहेंगे दोस्तों। आज हम जो है जो छूटे वगैरह कहीं कहीं तीर्थ यात्रा जो और मिलेंगे उसको दिखाएंगे। कल तो रात हो गया, रात में बहुत घूमे हैं हम। 11 बजे आए हैं, 11 बजे बहुत मुश्किल से ऑटो मिला यहाँ जो रूम ढूंढने के लिए। समुद्र के पास में ही है लेकिन अभी समुद्र हम और नहीं जाएंगे क्योंकि समुद्र जाएंगे तो उधर मन और कुछ विचलित उधर हो जाएगा, लेट हो जाएगा हमारा जो और अपन जो है तीर्थ यात्रा दिखे जाने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। लगातार वीडियो पर बने रहेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम जहाँ आज जो है इस अपन जो है लॉज में रुके थे आप फ्रंट पेज देख सकते हैं बाहर से, और इसका पूरा डिटेल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर करना, पूरा सस्ते से सस्ते रूम यहाँ पर मिलता है। देख सकते हैं इस लॉज का जो है आकाश इंटरनेशनल सिटी रोड पुरी में है उड़ीसा। अब जब भी पुरी आएंगे तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, भैया जी वहाँ लेने पहुँच जाएंगे और सस्ते से सस्ते रूम दिलाएंगे आपको। बहुत ही अच्छा सुविधा देते हैं और अच्छा सुविधा बोलने से जितना पैसे का उतना तो सुविधा ही मिलेगा, है ना। देख सकते हैं ये इस कॉन्टेक्ट नंबर पे पहुँच जाना। देख रहे हैं दोस्तों हम सुबह अभी समुद्र की ओर आने वाले नहीं थे लेकिन फिर भी मन नहीं लगा, एक बार समुद्र को घूम कर जाएंगे बोल करके। अभी तो समुद्र में मस्ती नहीं करेंगे, फिर भी यहाँ आ गए हैं। देख रहे हो जिस साइड से हम लोग आए हैं उधर अभी भीड़ बहुत कम है लेकिन इधर पूरे नाव ही नाव है। अभी थोड़ा धूप आ रही है उधर कैमरे में, देख सकते हैं नाव कितने नाव हैं इधर, पूरा नाव ही नाव है। कितने बड़े लहरें आ रही है, देख रहे हो उधर से पूरा लहरों का आनंद मजा लेते हुए यहाँ पे अभी। दिन का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, पुरी का रेलवे स्टेशन में हूँ अभी। हम लोग अभी भुवनेश्वर के लिए ट्रेन पता करने के लिए जा रहे हैं, अगर ट्रेन मिल जाता है तो भुवनेश्वर ट्रेन में ही जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ माता रानी की पूजा, और यहाँ पर जो भजन कीर्तन करते हुए पूरी का हम लोग रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं। और हमारा जो देश का प्रतीक चिन्ह राष्ट्र ध्वज कितनी बड़ी पूरा लहराती हुई। हम लोग अभी पुरी में भुवनेश्वर के लिए अपन पूछताछ केंद्र रेलवे स्टेशन में गए थे तो 10:25 को मिलेगा बोल रहे हैं। अभी टिकट घर जा रहे हैं टिकट कटाने के लिए, कितना लेते हैं देखते हैं भुवनेश्वर के लिए। हम लोग जो है कोणार्क मंदिर भी जाने वाले थे लेकिन लेट हो जाने के कारण
भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर से वहाँ से बस पकड़ेंगे अपने घर के लिए। तो टिकट यहाँ कटाते हैं, देखते हैं। और ये हमारा जस्ट अभी जो है पुरी से भुवनेश्वर के लिए टिकट पास हो गए हैं। यहाँ से 130 रुपये दो जने का, पुरी से भुवनेश्वर 130 रुपये। दो नंबर में ट्रेन आएगा, तो दो नंबर में हम लोग अभी जा रहे हैं।